तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बड़े मियाँ और छोटे मियाँ जो कल ही रिलीज हुए उसके बारे में कि कैसा मूवी, और थोड़ा सा उसका स्टोरी भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या है मूवी में। तो वीडियो में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपके लिए इस तरह कंटेंट आते रहेगा और भी बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे मैं इंक्लूड करने वाला हूँ। तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक एक्शन फिल्म है, मतलब एक्शन का भरमार है। मुझे नहीं लगता कि 5-7 मिनट मतलब भी आपको कहीं ऐसा मिलेगा जहाँ पे एक्शन ना हो, मतलब हर जगह पे सिर्फ एक्शन ही भरा हुआ है शुरू से लेकर अंत तक। और जैसे कि हम लोग साउथ इंडिया की मूवीज़ देखते हैं जिसमें हमेशा आपको, अगर साउथ इंडिया की मूवीज़ आप देखते आए होंगे तो उनका ये रहता है कि फर्स्ट में पूरा क्लाइमेक्स खत्म हो जाता है, उसके बाद लास्ट में पता चलता है कि बीच पार्ट जब मूवी का आता है इंटरवल, वहाँ पे पता चलता है कि आखिर रियल में कहानी क्या था क्या हुआ। तो सेम इसी तरह का इस मूवी में भी कंसेप्ट है, मतलब शुरू में आपको सारा चीज़ देखने को मिलेगा, ये हो रहा है ऐसे हो रहा है, लेकिन वो क्यों हो रहा है ये चीज़ आपको इंटरवल के बाद पता चलता है और उसमें आपको पता चलता है कि आखिर ये सब चीज़ें क्यों हो रही है। तो चलिए इसका स्टोरी मैं एक्सप्लोर करता हूँ। उससे पहले अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा तो मूवीज देखिए, अगर आपको एक्शन फिल्में अच्छी लग रही थी मूवी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और कहीं कहीं थोड़ा सा कॉमेडी डाला गया है। जो बड़े मियाँ हैं दोनों में दोनों के बीच में प्यार रहता है, लेकिन दोनों एक दूसरे को हमेशा चिढ़ाने पर लगे हुए रहते हैं और दोनों अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। तो मूवी का स्टार्टिंग बहुत अच्छा है, मतलब समझिए कि मूवी में जो कहानी है, तीन दोस्त होते हैं जो कि उनमें से एक जो रहता है कि मतलब आप समझ सकते हैं इंटेलिजेंट रहता है, जो तरह तरह चीज़ें डेवलप करता है अपने इंडिया के लिए, मतलब अपने इंडियन फोर्सेस के लिए, और बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो सोल्जर रहते हैं जो काम करते हैं। तो कहानी की जो मेन वजह रहती है कि वो जो थर्ड पर्सन रहता है जो नए नए चीज़ों को डेवलप करता है, वो अपने कंट्री के लिए एक सोल्जर एक्स डेवलप करता है। जो सोल्जर एक्स ऐसा कुछ होता है जो मतलब समझिए कि जैसा कि रोबोट में आपने देखा था कि रोबोट में भी रोबोट को इसलिए बनाया जाता है ताकि जो जवान शहीद हो जाते हैं मतलब बॉर्डर में या कहीं भी लड़ाई में, तो उनकी जनहानि को बचाया जाए, इसके लिए ये सोल्जर एक्स डेवलप करता है। लेकिन उसमें से थोड़ा सा एक चीज़ इसमें एडिशनल ऐड कर देता है जिसके कारण जो हमारे आर्मी होते हैं, जो चीफ आर्मी होते हैं, वो इनको रिजेक्ट कर देते हैं। इसमें ये रहता है कि मैनुअल ओवरराइड रहता है, मतलब इन सोल्जर को जो कमांड दिया जाएगा वो करेंगे ही करेंगे, वो किसी तरह का इमोशनल, जैसे कि मान के चलिए कि नेचुरल इंसान किसी के साथ लड़ता है तो इनके साथ हर एक मतलब हर स्वभाव में ये डिसीजन ले पाते हैं कहाँ क्या करना है नहीं करना है। लेकिन उनमें जो खूबियाँ डाली जाती है उसमें ये रहता है कि अगर एक बार आपने कमांड दे दिया तो वो वही करेंगे जो कमांड आपने दिया है, चाहे वो कुछ हो जाए लेकिन पूरा अपना टास्क को पूरा करके ही छोड़ेंगे। तो जो चीफ आर्मी रहती है वो सोचते हैं कि अगर ऐसा हुआ और मान के चलिए जिसके पास उनका कंट्रोल हुआ और वही अगर मतलब देशद्रोही निकल गए तब तो फिर वो पूरा कंट्री को बर्बाद कर देंगे, इसीलिए वो इस प्रोजेक्ट को बंद करने का बात करते हैं। लेकिन क्योंकि जो थर्ड पार्टी कबीर, जिनका नाम कबीर है मूवी में, वो 15 साल से इस पर काम करते रहते हैं तो उनको गुस्सा आ जाता है, अग्रेशन आ जाता है, वो बस इस अग्रेसर में जीने लगते हैं कि मेरा 15 साल का जो मेहनत है उसको आप लोग नहीं देख रहे ऐसे वैसे, और वो बस टर्न एक विलन के रूप में टर्न हो जाता है। ये लोग इनका प्रोजेक्ट को बंद कर देते हैं जिसके कारण उसको गुस्सा आता है और वो इंडिया को तबाह करना चाहता है, इसीलिए वो इन सारे चीज़ों को आगे बढ़ाता है। तब मूवी में होता क्या है, ये अपना सारा प्रोसेस जो रहता है क्लोन बनाने वाला, मतलब हर एक सोल्जर का, तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो सबसे काबिल ऑफिसर दिखाए गए मूवी में, तो ये उनका ही क्लोन बनाता है। और इसका जो पूरा मतलब जो कबीर रहता है उसका पूरा इंटेंशन रहता है कि इंडिया को किसी तरह से पाकिस्तान और जितने भी बाहर के कंट्री हैं उनके साथ इनका लड़ाई करा दे, लेकिन हमारे इंडियन फोर्सेस में और भी कुछ डेवलपमेंट करने वाले सैनिक होते हैं जिसमें से आपका सैनिक रहती है जो कि नाम उनका मैं भूल रहा हूँ, तो वो उसके लिए एक क्या बोलते हैं उसको, अरे अर्जुन नहीं कबीर, करण कवच लॉ बनाती है जिससे रहता है कि ये पूरे इंडिया के बॉर्डर को प्रोटेक्ट करके रखता है, जिससे कि कोई भी अगर बैलिस्टिक मिसाइल या कोई भी मिसाइल आए तो ये उसको कंट्री के अंदर नहीं आने देगा, ऊपर ही मार गिराएगा। तो ये ऐसा बनाया रहता है, पूरे इंडिया में इंस्टॉल रहता है ये। तो जो कबीर जो इस फिल्म का मेन विलन है उसका बस यही मकसद रहता है कि इस कवच को, जो कवच इंडिया के ऊपर चढ़ा हुआ है उसको किसी तरह से हटा देना है और इंडिया के साइड से कुछ मिसाइल से अलग अलग कंट्रियों में फायर कर देना है ताकि उधर से जो कंट्री वाले रहते हैं, मतलब अलग कंट्री जिनके साथ इनका ताल्लुकात रहता है, मतलब कबीर जिनके साथ मिला हुआ रहता है उनके साथ, मतलब इधर से फायर कराएगा और उधर से वो रिटर्न फायर करेंगे और वर्ल्ड वार छिड़ जाए और इंडिया को पूरी तरह से तहस नहस कर सके। लेकिन हमारे बड़े मियाँ छोटे मियाँ इस मूवी में इसीलिए रहते हैं कि इस चीज़ को रोक पाए। तो मुझे काफ़ी पसंद आया मूवी
बस यही छोटा सा स्टोरी है, उसी को दिखाने में टाइम लग जाता है, तो बहुत अच्छा भी लगेगा आपको देखने में, बहुत मस्त भी है। तो बस पूरा मूवी इसी पे बेस्ड है कि जो भी कंट्री को बड़े मियाँ छोटा मियाँ बचाना चाहते हैं, और जो आपका विलन यानी कि कबीर है जो पूरा इंडिया को तहस नहस करना चाहता है, लेकिन इसके लास्ट में जो दिखाया गया है उससे एक भी मतलब साबित हो जाता है कि इसका पार्ट टू भी आएगा। जैसा दिखाया गया है लास्ट में इसका पार्ट टू भी आएगा, और इस बार जो आएगा वो और भी खतरनाक, मतलब जितना अभी आप मूवी देखने जाएंगे या देख लिए जितना आप मूवी में देखें इससे भी दुगुना या मतलब ज़्यादा हैवी होगा। तो जैसे कि साउथ इंडिया में हो रहा है, मतलब हर मूवी का सेकेंड पार्ट आ रहा है, मतलब मूवी को इस तरह से छोड़ के जाया जाता है कि अगला मूवी हम लोग देखने के लिए उत्सुक रहे, तो इस बार बॉलीवुड में भी कुछ ऐसा ही ट्राई किया गया है। फिल्म के लास्ट में कुछ दिखाया जाता है लास्ट में, जिससे ये साबित हो जाता है कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी आ सकता है। तो मूवी आप लोग देखें और आप लोग बताएं कि आप लोग को ये मूवी कैसा लगता है। अगर मूवी अच्छा लगता है तो कमेंट में बता सकते हैं, और वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम आपके लिए ऐसा ऐसा कंटेंट लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।